ऐसा कहोगी, तुमने हमें काफी दूर से बुलाया है। यहाँ पर मेरी लाल बहना, काली बहना, गोल्डन बहना, पिंक बहना, मेरी सारी बहना आई है और सारी की सारी मेरे से भी ज्यादा खतरनाक है और हम सभी की सारी बहने मिलके लॉस सैंटोस को तबाह कर देंगी। हाँ मेरी बहना, टेंशन ना ले तू, हम लॉस सैंटोस को तबाह कर देंगे और इस बार कोई मुझे रोक भी नहीं सकता। जब मैं अकेली थी तब तो मुझे वो लिटिल सिंघम रोक लेता था, पर अब मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा। चलो मेरी बहनों, लॉस सैंटोस को तबाही की मंजर की ओर लेके चलते हैं। चलो मेरी बहनों, चलो चलो, हम लॉस सैंटोस को तबाह कर देंगे। अब लॉस सैंटोस को कोई नहीं बचा सकता। मैं भी मारूंगी। हाँ गोल्डन बहना, तुम भी मारोगी और मैं भी मारूंगी। हाँ ब्लैक बहना, बस टाइट पकड़ के बैठना, नीचे मत गिर जाना, क्योंकि अभी भूतिया मंदिर स्टार्ट होना बाकी है। लॉस सैंटोस हमारी मिट्टी में मिला देंगे। चलो, लॉस सैंटोस को कोई नहीं बचा सकता, बोले तो कोई भी नहीं, और लिटिल सिंघम भी नहीं रोक पाएगा मुझे इस बार, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ताकतवर जो हो गई हूँ। बहना, तुम ये बताओ आखिर हमारा प्लान क्या है? कुछ नहीं, इंसानों को मारो, बस मारती जाओ, मारती जाओ, उनको तड़पाती जाओ, जब तक उनका रक्षक उन्हें बचाना न आए, और उसको भी मार दो फिर। ओए, ये कौन पागल है? कोई नहीं बचेगा, चारों तरफ खून की नदियां बहा दूंगी मैं। अरे बहना, गाड़ी तो अच्छे से चला लो। कोई बात नहीं, गाड़ी भी अच्छे से चलेगी और खून की नदियां भी बहुत तेज तेज बहेगी, किसी को नहीं छोड़ूंगा। अच्छा मेरे सामने से इंसान, वरना मार दूंगी तुझे मैं। अरे कोई बचाओ हमें, ये कौन पागल बुढ़िया में मारती जा रही है? बचाओ, पुलिस को फोन मिलाओ कोई। पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ सकती मेरा, क्योंकि मैं हूँ बहुत ज्यादा ताकतवर और मुझसे ज्यादा ताकतवर मेरी ये 6 बहना है जो पूरे ब्रह्मांड को तबाह कर सकती है। लॉस सैंटोस को तो कुछ भी नहीं है इनके आगे। मारो, सब इंसानों को मारो। बहना, हमने तो काफी सारे इंसानों को मार दिया है। एक बार रोको तो बहना, मुझे इनका खून भी पीना है। नहीं पिंक बहना, हमें इनका खून नहीं पीना भी, जब तक खून की नदियां ना बहे। हे इंसान, ये ले, चलो अब होगी तबाही। मारो मेरी बहनों, तबाह कर दो हर एक इंसान को, कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए, हर कोई तबाह हो जाना चाहिए। यहाँ पर पूरा लॉस सैंटोस में खून ही खून होना चाहिए। मारो हर किसी को। अरे क्या पागल बुढ़िया ये, तुझे बताती ये ले। अब बोलो कौन हमें रोकेगा? किसी में है हिम्मत मुझे और मेरी 6 बहनों को रोकने का? किसी में भी नहीं है। हाँ बहना, लड़ाओ, मारो सबको, मारो, मैं तुम्हारी ब्लैक बहना तुम्हारे साथ हूँ। चलो मारो सभी को। अब मेरी बारी, तुमने बहुत सारे इंसानों को मारा, अब मेरी बारी है मारने का। और ये देखो, मेरी काली ताकतें ऐसी है कि मैं शार्क्स को बुला सकती हूँ और हर एक इंसान को शार्क आके खा के जाएगी। ये देखो मेरी काली शार्क्स, ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है, ये किसी को भी नहीं छोड़ेगी। मैंने सभी के सभी इंसानों को मार डाला जो भी यहाँ पर घूम रहे थे। अभी बहुत इंसान बच रहे पूरे शहर के अंदर। अरे वो रहे वहाँ पर, उनको भी मारती हूँ। कहाँ जा रहे हो? ये लो, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैं हूँ ब्लैक ग्रैनी और मैं सभी ग्रैनियों में सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ और सबसे ज्यादा खतरनाक भी। अरे ये क्या, ये तो बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम हो गई रे। ये तो ग्रैनी की पूरी फैमिली आ गई, मैं इनसे नहीं लड़ सकता, ये बहुत ताकतवर है, मेरे को किसी और को बुलाना पड़ेगा। हाँ मैं तो भूल गया, मेरे को लिटिल सिंघम को फोन मिला के बोलना चाहिए कि ये इतनी खतरनाक ग्रैनी आ गई है। हेलो लिटिल सिंघम। हाँ बोलो, क्या काम है? अरे जल्दी यहाँ पर आओ, ग्रैनी ने इतने सारे इंसानों को मार डाला है, जल्दी आओ। क्या बात कर रहे हो, कैसे मारा? अरे वो मेरे को नहीं पता, उसकी पूरी फैमिली आ गई है, 6 बहनें हैं उसकी। जल्दी आओ वरना ये मुझे भी मार देगी और पूरी इंसानियत को खत्म कर देगी। मैं भी आता हूँ, तुम टेंशन मतलब पहुँचता हूँ। मैंने ग्रैनी को इतनी बार हराया है कि एक और बार ग्रैनी को हराने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर पता चला उसकी कोई फैमिली आई है। ग्रैनी बहुत हो गया तुम्हारा, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लिटिल सिंघम, ओए मैं तुमसे बात करने नहीं आया हूँ, यहाँ पर मैं सीधा मार पिटाई करने आया हूँ। लिटिल सिंघम, ये मेरी सारी बहनें हैं, मिलो इनसे। और तू अब बच नहीं पाएगा, क्योंकि मेरी बहने की ताकत इतनी ज्यादा है कि तू हमारे आगे टिक भी नहीं सकता। तुम मुझे जानते नहीं हो, लिटिल सिंघम से ज्यादा ताकतवर कोई भी नहीं इस पूरी दुनिया के अंदर। वो तो अब पता लगेगा तुझे। अरे ये क्या, ये कैसी गोलियां मार रही है मेरे ऊपर, मेरे को दर्द हो रहा है। क्योंकि तुम मरने वाला है लिटिल सिंघम, ये ले। अरे मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा वरना ये सारी बुढ़िया मेरे को मार डालेगी। लिटिल सिंघम चल भाग जा यहाँ से, वरना तुम मरेगा हमारे हाथों से। मैं वापस जरूर आऊंगा, तेरी छोड़ूंगी नहीं मैं। भागो यहाँ से, ये बुढ़िया तो बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसकी बहनें बहुत ताकतवर है, मेरे को जल्दी सी मदद लानी पड़ेगी। और मुझे पता है कि मुझे किसकी मदद लेनी चाहिए। जो इन ग्रैनी को हरा सकता है वो ही हरा पाएगा, सिर्फ एक आदमी है, एक ही आदमी है जो इन ग्रैनी को मार सकता है, और उसको आप लोग अच्छे से जानते हो, जिसका नाम है सुमित। मुझे सुमित की मदद लेनी पड़ेगी। ये रहा सुमित का घर, सुमित मेरी मदद करो। अरे ये क्या भाई साहब, कोड़ पागल है, गाड़ी ठोक रहे हो। अरे सुमित मैं हूँ। अरे लिटिल सिंघम तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे सुमित मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्यों, क्या हो गया? वो ग्रैनी, क्या ग्रैनी ने क्या कर दिया? ग्रैनी अपनी पूरी फैमिली को लेके आ चुकी है, उसकी 6 बहनें हैं, वो सारे आ चुके हैं और हमारे लॉस सेंटर्स पे हमला कर रहे हैं। क्या बात कर रहा है, फिर तो उनको रोक क्यों नहीं पा रहा, फिर तुमको रोक क्यों नहीं लेता? अरे मैं उनको नहीं रोक सकता, वो बहुत ताकतवर है। मैंने ग्रैनी को इतनी बार मारा है, पर उसकी 6 की 6 बहनें इतनी ज्यादा ताकत है कि वो मेरे को ओवरपावर्ड कर रही है, मैं उन्हें नहीं रोक सकता। सुमित मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अबे मैं उनको कैसे रोकूंगा, ग्रैनी की पिटाई करने में मेरे को बहुत दिमाग लगता है सही में। अरे तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें ताकतें दूंगा। तू मुझे ताकतें देगा कैसे? सबसे पहले तो मैं तुम्हें एक खतरनाक वाला, जानदार खतरनाक वाला पुलिस वाला बनाऊंगा। पुलिस वाला बनाएगा मेरे को तू? हाँ, मेरी तरह मैं तेरे को पुलिस वाला बनाऊंगा। उसके लिए तो सबसे पहले हम लोगों को चलना पड़ेगा पुलिस स्टेशन। ओके तो गाइस यार, यहाँ पर मुझे ग्रैनी की फैमिली को हराना पड़ेगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो भाई साहब सिंचन चौप का क्या होगा? और सिंचन चौप अभी नानी के गए हुए हैं, तो वो आएंगे तो भाई ग्रैनी को कौन रोकेगा, समझ नहीं आ रहा। टेंशन मत लो उसमें, तुम रोक सकते हो ना, क्योंकि तुम सबसे ताकतवर आदमी हो। ओके चलो चलते हैं जल्दी सी। तो गाइस यार अभी हम लोग जा रहे हैं पुलिस स्टेशन, जल्दी चलो। तो गाइस यार ये देखो तुम्हारे भाई ने पुलिस की वर्दी पहन ली है और यहाँ पर हम लोग एक पुलिस वाले बन चुके हैं। अब भाई साहब ग्रैनी को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। अरे सुमित अभी तुम नहीं हरा सकते ग्रैनी को। क्यों? अरे तुम अभी इतना ताकतवर नहीं हो, तुम एक साथ 2 या 3 ग्रैनी को तो हरा सकते हो, पर वहाँ पर 6 ग्रैनी है। 6 ग्रैनी है? हाँ मैंने जैसा बोला था, उसकी पूरी फैमिली आई है, अकेली ग्रैनी को तो मैं भी हरा सकता हूँ। फिर क्या करना पड़ेगा मैं, आखिर हम उन्हें कैसे हराएंगे, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। तुम्हें पावर अप करना पड़ेगा। पावर अप वो कैसे होगा? एक खतरनाक वाला रैम्प चैलेंज होने वाला है, जो भी उस रैम्प चैलेंज में जीतेगा उसको ब्रह्मांड की ताकतें मिलेंगी। सच में? हाँ, पर वो रैम्प चैलेंज बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि उसके अंदर लूसीफर भाग लेने वाला है। लूसीफर? हाँ लूसीफर और डेविल भी आएगा। ओ भाई साहब लूसीफर और डेविल दोनों आने वाले हैं क्या? तभी तो वो बहुत खतरनाक रैम्प चैलेंज होने वाला है। चलो जल्दी। कैसे हो तुम सभी लोग? मैं हूँ पाताल का राजा लूसीफर, या तुम मुझे डेविल भी बोल सकते हो। तो आज मैं तुम्हें किसी एक को पाताल की शक्तियाँ देने वाला हूँ, पर वो उसी को मिलेगी जो लूसीफर के खतरनाक वाले रैंप चैलेंज में जीतेगा। लूसीफर तुम मुझे क्यों नहीं दे देते? नहीं लूसीफर, जो यहाँ पर जीतेगा उसी देनी पड़ेगी तुम्हें। मुझे नहीं पता मैं किसे दूंगा, मुझे सिर्फ रैंप चैलेंज कराने थे, मतलब जो भी तुम में से जीतेगा उसे पाताल की अद्भुत शक्तियाँ मिलेगी। अरे लूसीफर तुम पाताल के राजा हो और मैं यहाँ की रानी, मुझे दे दो ताकतें, क्योंकि मैं भी इविल हूँ और तू भी इविल है। मैं पाताल में रहता हूँ तो ये मतलब नहीं कि मैं इविल हूँ, पाताल का काम करना मेरा काम है। कोई बात नहीं, मैं ये रैम्प चैलेंज जीत को ताकतों को लूंगी, तुम नहीं दोगे तो ऐसे तो मैं रैम्प चैलेंज जीतूंगी। अबे ग्रैनी तू कभी भी नहीं जीतेगी। क्यों, तुझे ऐसा क्यों लगता है सुमित? और वैसे तू मेरे कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि एक बार मैं ये रैम्प चैलेंज जीत जाती हूँ पूरा लॉस सेंटर्स हम सारी बहनों के आगे झुकेगा। अरे तुझे लगता है तेरे सपनों में? नहीं, हकीकत में होने वाला है ये। गाइस यार अगर यहाँ पर ग्रैनी जीत जाती है तो पहली इनकी बहन इतनी ज्यादा और पावर्ड है, तो भाई साहब समझ लो लॉस सेंटर्स पूरा तबाह हो जाएगा, हम ग्रैनी को कभी भी नहीं रोक पाएंगे। आप लोगों को हमारी मदद करनी पड़ेगी। जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कॉमेंट बॉक्स के अंदर लिख दो यार ग्रैनी फेल, जिससे ग्रैनी हार जाए। यहाँ पर अगर ग्रैनी पर जीत जाती है तो भाई अनर्थ हो जाएगा। सिंचन चौप को कौन बचाएगा यार, मुझे तो उन लोगों की प्रोटेक्शन करनी है। कोई बात नहीं सुमित, उनकी मदद मैं करूंगी। क्यों, तू उनकी मदद क्यों करेगी? क्योंकि एक बार मैं उन्हें मार दूंगी तो उनको खा लूंगी, फिर किसी की मदद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना मुझे। अबे ओए ग्रैनी, तू ऐसा कभी भी नहीं कर पाएगी। मैं करूंगी, और मुझे रोकने वाला तू कौन होता है? मैं हूँ सुमितोपी, और मैं तुझे जरूर रोक लूंगा, क्योंकि मेरे दोस्त मेरे साथ जो है। तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता सुमित, चाहे अब सुन ले या मुझसे 10 बार सुन ले। गाइस यार ग्रैनी मेरे को ऐसा क्यों लगता है ज्यादा डेंजरस हो गई है? अरे ये क्या, बाइक चल क्यों नहीं रही है? क्योंकि पीछे तुझे गाड़ी लेनी थी और तूने गाड़ी तो ली नहीं। तू यहाँ पर बाइक लेके जो आ चुकी है। कोई बात नहीं, मैं इस बाइक को डायरेक्ट ऊपर ले जाऊंगी अपनी काली शक्तियों से। भाई ये क्या, ये बाइक ऊपर चढ़नी तो नहीं चाहिए थी। भाई अपनी काली शक्तियों का यूज करके इस बाइक को पावर ज्यादा दे रही है और देखो कैसे ऊपर चढ़ाती जा रही है। डर लग रहा है क्या सुमित तुम्हें मुझसे? डर की बात नहीं है, लॉस सैंटोस को बचाना मेरा अधिकार है। तो नहीं बचा पाओगे। अरे मेरी ताकतें भी काम नहीं कर रही, बाइक ऊपर नहीं चढ़ रही है। चढ़ जा मेरी बसंती। अरे गाइस यार यहाँ पर देख रहे हो आप लोग, ग्रैनी ऊपर नहीं चढ़ पा रही है। मजा आ जाएगा यहाँ पर, नीचे गिर जाए तो कैसे न कैसे करके। नहीं गिरूंगी मैं। अरे ये क्या, ये मेरी बाइक का जरा रुक जा मेरी बाइक। अरे नहीं, ये तो नीचे जा रही है। ये कैसे हो सकता है, रुक जा मेरी बाइक। अरे ये क्या, वो तो नीचे चली गई। कोई बात नहीं, मैं उसको ढूंढ लूंगा, दूंगी। अरे ये क्या, मैं तो नीचे गिर गई गलती से। अब तुम्हारी बारी है इंसान, क्या तुम मेरी ताकतें लेने के लिए बने हो या नहीं, या तुम भी ऐसे ही हार के जाओगे? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल जीत के जाने वाला हूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे इस जानवर चाप को बचाना है। तो इसमें रोने की कहाँ बात आ गई? अरे यार कुछ नहीं, बस मैं थोड़ा दुखी हो जाता हूँ जब सिंचन चौप पे बात आती है। गाइस यार मेरे को यहाँ पर जीतना है किसी भी हालत में, तो आप लोग क्या कर रहे हो? जल्दी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और भाई साहब यहाँ पर अभी हम लोग आज के बियर वाले, बियर तो नहीं है ये, यहाँ पर ये बड़ी बड़ी बोटल्स हैं, इनको मेरे को क्रॉस करना है आराम आराम से। बैस बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमने से यहाँ पर क्रॉस कर दिया है। अभी हम लोग आज के ट्यूब के अंदर, और यार ये पर क्या करना है, कोई बात नहीं, आगे स्कूटानी सिंपल सा नाइस। ओए भाई वो तो सही है यार, थोड़ी बहुत पावर्स मेरे पास भी है, लिटिल सिंघम ने मेरे को दे दी थी, वरना यार यहाँ पर अभी मैं डिस्क्वालीफाई हो सकता था। अब यार मेरे को यहाँ से जंप लेनी है खतरनाक वाली, और यहाँ पर ये जो नीचे कार्स है ना, वो कार्स लेनी है, क्योंकि यार बाइक से नहीं होगा। आगे जाके बाइक की पावर बहुत ज़्यादा कम पड़ जाती है। तो यहाँ पर देख रहे हो कितनी खतरनाक वाली सुपर कार्स है, इस वाली गाड़ी को लेकर चलता हूँ, रेड कलर की। चलो गाइस यार चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए फुल स्पीड में, क्योंकि यार वहाँ पर दूसरी तरफ ग्रैनी की सारी बहनें मिलकर तबाही मचा रही होगी। और ये देख रहे हो आप लोग कैसे मैंने उस बोतल को टक्कर मारी, और भाई वो बोतल ही नीचे गिर गई। ओ भाई सब कितने बड़े बड़े बर्गर से यहाँ पर, इनको भी हटा दिया साइड में। और ये देखो यार, जैसा कि मैंने बोला था, बाइक यहाँ पर स्लो पड़ गई थी, पर गाड़ी की स्पीड ज्यादा है। ये देखो भाई सब हम लोग ऊपर चढ़ते ही जा रहे हैं, नाइस। यहीं पर ग्रैनी डिस्क्वालीफाई हुई थी, और ये देखो लगाया हमने बूस्ट, और ये देखो भाई साहब इजिली हम लोग ऊपर पहुंच चुके हैं। पर अभी भी बहुत बड़ा रैंप चैलेंज बच रहा है। अगर मैं अभी हार जाता हूँ तो मेरे को ताकत नहीं मिलेगी। मैं ग्रैनी को तो अकेला हरा सकता हूँ, पर उसकी सारी बहनों के साथ उसे मैं नहीं हरा सकता हूँ। अब भाई साहब यहाँ पर ये क्या करना है पता ही नहीं, समझ ही नहीं आ रहा। शायद मेरे को यहाँ से पैड़े दर पैड़े नीचे जाना है। देख रहे हो यहाँ पर एक एक करके हम लोग नीचे जाने वाले हैं, और अब भी काफ़ी बड़ा रैंप चैलेंज बच रहा है, जैसे कि मेरे को दिखाई दे रहा है। भाई साहब लूसीफर की ताकत है, देख रहे हो यार कितना बड़ा रैंप चैलेंज बनवाया है उसने। गाइस यार लूसीफर अगर हमारी टीम में आ जाए तो गाइस यार ग्रैनी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, पर यार लूसीफर को पाताल में जाना पड़ता है, इसलिए लूसीफर हमारी मदद नहीं कर सकता है। पर यार अगर आप लोग चाहो तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। अगर आप लोग चाहते हो कि लूसीफर को मैं अपनी टीम के अंदर लेके आऊँ, उसको मनाओ अपनी टीम में लाने के लिए, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना पार्ट 2। मैं इस वीडियो का पार्ट 2 लाने वाला हूं। अगर आप लोग चाहते हो तो एक खतरनाक वाली सीरीज बनाना इस स्टोरी के ऊपर। ओके भाई सब हम लोग बिल्कुल नीचे आ चुके परफेक्टली, बढ़िया। अब मेरे को यहाँ पर क्या करना है? ओए गाइस यार अभी तो मेरे को यार पानी के थ्रू भी जाना है। देख रहे हो यहाँ पर कितनी बड़ी भाई बची है। अभी तो रेसिंग, भाई रेसिंग एक तरीके से रैम चैलेंज करना, क्योंकि यार इसके अंदर ओए अगर मेरे साथ 2-3 लोग एक साथ रैम चैलेंज करो वो तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा सही में। अगर ऐसा होने लगा तो भाई कोई बात नहीं, हम हर चीज़ को देख लेंगे। अब यहाँ पर भाई पानी का भाव बहुत ज़्यादा धीरे है, इसलिए हमारी बोट बिल्कुल मस्त तरीके से चल रही है। इस वाली बोट का नाम बताओ, इसको क्या बोलते हैं? जिसको भी पता है कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से बताना, ठीक है? जो भी इसका नाम बताएगा मैं क्या चला रहा हूँ उसको दूंगा मैं नेक्स्ट के अंदर शाउट आउट। ओके तो गाइस यार फाइनली हम लोग यहाँ पर जीत चुके हैं। ओ भाई साहब मुंह के बल गिर गया। लूसीफर डेविल जो भी हो तुम आओ, मैं जीत चुका हूँ, मुझे ताकत है, तो जाओ इसके अंदर जाओ और तुम्हें ताकतें मिलेगी जो तुम्हें चाहिए। ओके इस धुएं के अंदर जाना है, हाँ इसके अंदर जाओ। ओके तो गाइस यार यहाँ पर क्या हो रहा है? ओए ये देखो भाई साहब मेरे को क्या खतरनाक वाली ताकतें मिल चुकी है, मैं तो हवा में उड़ पा रहा हूँ। अब यहीं पर मेरे को मिलनी चाहिए, कहाँ पर गई है इसकी बहन की सारी कहाँ गई, दिखाई नहीं दे रही। ओह कहीं से चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, पक्का वहीं कहीं पर होगी चिल्लाने की आवाज़ जहाँ से आई है। हे ग्रैनी और ग्रैनी की बहनों मेरे सामने आओ, मैं सुमित तुम लोगों से लड़ने आया हूँ, आओ मेरे सामने। गाइस यार कहाँ पर है, दिखाई नहीं दे रही मेरे को एक भी, कहीं मैं गलत जगह पे तो नहीं आ गया हूँ? नहीं हम यहीं पर ही है। ओ भाई ये क्या, भाई ये क्या पावर्स यूज कर रही है। तू हमें नहीं हरा पाएगा। अब ये किसकी आवाज थी? ये मेरी बहना की आवाज है। ये तो आदमी जैसी आवाज थी। अबे भाई इन लोगों ने तो मेरा कुत्ता बना दिया, देख रहे हो कैसे मेरे ऊपर हमला कर रही है सारी सारी मिलके। ओ भाई ये ब्लैक वाली रेड वाली तो बहुत ज्यादा ताकतवर है। अब मेरे को भी तो मौका दो मारने का। अब तुम लोगों की ऐसी तैसी। ओए भाई क्या मार रहे चारों तरफ से मिलके मेरे को, देख रहे हो कुत्ता बना दिया भाई। अब रुको तो मेरे को तो मौका दो मारने का। नहीं तू मरेगा सुमित, तेरे पास चाहे डेविल की ताकत है पर कुछ नहीं कर पाएगा तू। अब तुम लोगों को लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब मेरी बारी। ओ भाई सब पता नहीं ये क्या हुआ है, मैंने क्या पावर्स यूज करी, मेरे तो कपड़े ही बदल गए भाई। ऐसा लगता है कि यार मैं इनकी तरह कोई प्रेत आत्मा बन चुका हूँ। कितने अजीब से कपड़े आ गए मेरे हाथ में, ये क्या है पता नहीं क्या है, क्या अजीब सी पावर्स है। ओए ओए भाई पर अब भी ये लोग मेरे को ओवर पावर्ड कर रहे भाई, इनकी ताकतें मुझसे अब भी ज्यादा है। और तेरी ऐसी तैसी ग्रीन वाली भी बहुत ज्यादा ताकतवर ग्रैनी है। अब रेड वाली हो भाई क्या कर रहे हैं ये लोग, देख रहे हो कोई कीचड़ बन रहा है, कोई धुआं बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है। और अबे मेरे को तो मौका दो मारने का। अबे इनकी ऐसी तैसी, रुक तेरी ऐसी तैसी। तो यार यहाँ पर हमने जो रेड वाली ग्रैनी है उसको 3-4 थपौड़े तो मारे पर वो बच गई यार अब भी। और ये देख रहे हो कीचड़ बन के मेरे नीचे आ गई। ये ले यार ये ले तेरी ऐसी तैसी और तू भी ले। अबे भाई ओ ये क्या कर रही है, पीछे से पेट सा खा रही है मेरा। अबे रुक 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 रुक। अबे ये ग्रैनी तो सबसे ज्यादा ताकतवर है इनकी बहनों में, या ये रेड वाली ताकतवर है पता नहीं कौन सी कितनी ताकतवर, पर भाई कुत्ता बना रखा है। अरे छोड़ो तो मेरे को एक बार मारने का तो मौका दो यार। इनकी ऐसी तैसी कुछ तो खतरनाक पावर यूज करूं। ये आ गई फिर से। अरे भाई क्या मार रही है भाई, मेरा तो बहुत बुरा वाला हाल करती है इन्होंने मार मार के सही में। अरे देख रहे हो एक साइड से कोई किक मार रहा है, एक साइड से कोई किक मार रहा है। और देख रहे हो यार ये लोग इतना ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, एक दूसरों को भी मारे जा रहे हैं मेरे ऊपर अटैक करते करते। अब मेरी बारी है भाई इनको मारने का। कुछ भी नहीं कर पाएगा तो सुमित हमारा, क्योंकि तू मरने वाला है। ग्रैनी मरेगी तो तू, मैंने तेरी सारी बहनों को तो एक एक करके मार दिया। ये कैसे किया तूने? मैंने क्या बोला, मैं असल में एक एंजल बन चुका हूँ। मैंने अब ध्यान दिया मेरे सफेद कपड़े इसलिए क्योंकि मैं एक एंजल बन चुका हूँ। और गाइस यार यहाँ पर देख रहे हो मैंने एक एक करके सभी को मार डाला। ओए ये क्या हो गया भाई, इतना खून ये कहाँ से आ गया, मतलब इन सभी ग्रैनीज में से इतना ज्यादा खून निकला है। मैंने एक एक करके सबको मार डाला। देखो मेरे हाथ में जो आप लोग ये चीज देख रहे हो, ये असल में इन सभी के सभी ग्रैनी का दिल है। अजीब सा दिल है यार, आप लोगों को समझ नहीं आएगा। पर यार यहाँ पर तो ऐसा लगता है कि मैं खुद ही एक बुरा आदमी बन चुका हूँ यार। कितने लोग, इतनी सारी ग्रैनियों को मारा मैंने। अरे सुमित शाबाश, तुमने इस पूरे लॉस सैंटोस को बचा लिया है। अरे यार मेरे को कुछ अजीब सा लग रहा है, क्या हो गया? मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर काली शक्ति आ चुकी है। अरे ऐसा नहीं हो सकता सुमित, मेरे को लग रहा है लिटिल सिंघम मुझसे दूर चला जा तू। अरे क्या हो गया तुम्हें? मुझे नहीं पता है, शायद मेरे अंदर काली शक्ति आ चुकी है, मैंने शायद इन लोगों को मार दिया हो। गाइस यार अभी यहाँ पर पता नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे खुद नहीं पता। अगर आप लोग चाहते हो इस वीडियो का मैं पार्ट 2 लेके आऊँ, मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना पार्ट 2 अगर आप लोग चाहते हो तो। हम लोग मिलेंगे इसको नई वीडियो में, जब तक के लिए राम राम जी।